हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोहे और ओट्स का बहुत ही हेल्दी नाश्ता। और इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये पोहे लिए हैं। तो ये 1 कप के करीब भिगोए हुए पोहे हैं, जिसे मैंने 15 मिनट पहले ही पानी में भिगोया था और ये अच्छे से फूल कर तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप के करीब ओट्स, और दोनों चीज़ों को डाल देंगे एक बोल में। तो यहाँ पर मैंने ये बोल ले लिया है और ये पोहे इसमें डाल देते हैं। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे ये 1/2 कप के करीब ओट्स, और इसके साथ इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 कप के करीब गेहूं का आटा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम बैटर तैयार करेंगे। तो मिक्स कर दिया है मैंने, तो इसमें मैं पानी डाल लेती हूँ। एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे। और यहाँ पर मैंने ये बैटर तैयार कर लिया है, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। इसके साथ ही डाल देंगे हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ में 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर। इसके साथ ही डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर स्वाद के अनुसार, और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। तो यहाँ पर ये मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है। साथ में डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। तो यहाँ पर ये मैंने गरम मसाला डाल दिया। अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरीके की थिकनेस रखी है मैंने बैटर की, बिल्कुल जैसे हम चीला बनाते हैं वही थिकनेस होनी चाहिए बैटर की। अच्छे से मिक्स करना है, और गैस पर मैंने एक पैन रखा हुआ है इसके चीले तैयार करने के लिए। बैटर यहाँ पर तैयार है, तो चलते हैं आगे की प्रोसेस में। और गैस पर मैंने एक पैन रखा है और इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच के करीब घी। इसके बाद जो हमने ये बैटर तैयार किया है, इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस तरीके से हम इस पैन में इसे डाल देंगे। यहाँ पर इसे फैला देंगे ताकि थोड़ा पतला हो जाइए, और जैसे चीला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे 2 मिनट एक साइड से, 2 मिनट एक साइड से गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए सेक लेंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देती हूँ मैं, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा ये चीला एक तरफ से सिक चुका है, तो इसे पलट लेते हैं सावधानी से। चीले को बड़ी सावधानी से पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेते हैं। मैं इसे कवर कर दे रही हूँ, और यहाँ पर हमारा एक चीला बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से सभी चीले तैयार कर लेंगे, और दोनों तरफ से ही अच्छे से मैंने 2 से 3 मिनट सेक लिया है। तो इसे करते हैं सर्व। और लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा ये बहुत ही हेल्दी सा चीला, और इसको सर्व कीजिए आप दही के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ, केचप के साथ, किसी के साथ भी सर्व कीजिए। सभी के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में, तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।